नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा गाइस यहाँ पे अरबिंदो फार्मा की। और अरबिंदो फार्मा में बात करना इसलिए जरूरी है, एक कहना चाहिए बाजार के साथ साथ इस शेयर में भी एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। बात करूंगा क्यों ये फॉल हो रही है, एक न्यूज को लेकर के जो जब ये न्यूज आई थी जिस कारण से अभी तक इस शेयर में प्रेशर बना हुआ है, उस न्यूज की चर्चा करूंगा उसका क्या हुआ, प्लस अरबिंदो फार्मा क्यों मुझे पर्सनली लगता है एक वैल्यू बाइंग है और मैं खुद मंडे को इस शेयर में पोजिशन बनाने वाला हूँ। इस सब तमाम चीजों में दोस्तों मैं करूंगा बात करूंगा और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस के लिए खासकर के लिए क्यों ये शेयर बहुत अच्छा है और आने वाले समय में और अरबिंदो फार्मा में आप तेजी क्यों बनते हुए देख सकते हैं। इन तमाम बातों में चर्चा होगी दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 0.86% की लास्ट बार में इसमें गिरावट हुई थी, और सिर्फ यही नहीं दोस्तों बात करें इसमें गिरावट की तो पिछले एक महीने में आप देखिए शेयर को अगर हम ऊपरी स्तरों में देखें 737 वहां से लगभग ये शेयर 11% से ज्यादा गिरावट दिखा चुका है। और देखिए इस शेयर के लिए ना अभी भी जो मैं कहूंगा 745 से लेकर के 750 बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा दोस्तों बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था मैंने आप बता दूं आपको आगाह किया था कि प्लीज नई पोजीशन प्लीज मत बनाइए 745 के आसपास, क्योंकि वहां लगभग 734-730 के आसपास कि यहां से शेयर को 745 जो 750 है बहुत ही ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस है, और इस शेयर को रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए दोस्तों बहुत सारी कहने की चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे खुद शेयर में एक बहुत पॉजिटिव स्ट्रेंथ होना, कोई बहुत बड़े न्यूज आना, प्लस बाजार में बाजार का भी साथ होना बहुत जरूरी था दोस्तों। लेकिन जब ये शेयर 737 के आसपास था शेयर तो मजबूत था दोस्तों, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं था क्योंकि बहुत निचले स्तरों से बहुत ज्यादा चल चुका था, प्लस कोई ऐसी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दिखने रही थी, वॉल्यूम भी धीरे धीरे घट रहे थे, और बाजार ऑल टाइम दोस्तों मैं कहूंगा निचले स्तरों से काफी जबरदस्त तेजी भाग चुका था और गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, प्लस इन्फ्लेशन और कहना चाहिए जो अमेरिकी बाजारों में जो खलबली मची हुई थी कहना चाहिए फेड रेट्स को लेकर के, उस कारण मुझे बाजार भी करता था, इसीलिए मैं कह रहा था नई पोजीशन मत बनाइए प्लीज। और अगर अगर आप एक कहना चाहिए प्रॉफिट में हैं निचले स्तरों पे अगर आपने पोजीशन बनाई है और शॉर्ट टर्म के लिए आए थे एक स्विंग ट्रेड के लिए आए थे तो प्लीज शेयर को बेच के प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि निचले स्तरों पे गिरावट हो सकती है। और वहां से देखिए दोस्तों एक न्यूज ये भी आ जाती है कि भाई इनको जो है मैं आपको दिखाता हूं सीधा वो न्यूज, वो आखिर वो न्यूज कौन थी, वो थी दोस्तों ये अरबिंदो फार्मा डाउन 5% ऑन यूएस एफडीए वार्निंग लेटर फ्रॉम फॉर हैदराबाद यूनिट, द कंपनी बिलीव दैट दिस विल नॉट इंपैक्ट द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ द फैसिलिटी। देखिए ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन जब यूएस एफडीए से वार्निंग लेटर आया ना दोस्तों इनकी हैदराबाद यूनिट को लेकर के, एक दिन में शेयर 5% दोस्तों टूट गया था, ठीक है, तो वहां से फिर ये गिरावट आई। देखिए ये संयोग था कि ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी ये शेयर वीक बहुत था दोस्तों, ठीक है, लेकिन इस न्यूज ने आग में घी का काम किया और एक दिन में ही आप देखिए ये शेयर 5% के आसपास टूट गया दोस्तों, ठीक है। देखिए जो अरबिंदो फार्मा है दोस्तों ये एक कहता हूं मैं बहुत ज्यादा हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है, और ये मैं हमेशा बार बार कह रहा हूं, और इस ये कितना वॉलेटाइल है मैं आपको इसके 6 महीने के जरा चार्ट दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा। आप जरा इसके चार्ट को देखिए और इस चार्ट से एक चीज समझिए कि वो निवेशक जो जिनको वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं दोस्तों, देखिए जो कहना चाहिए जिनको वॉलेटाइल मार्केट पसंद नहीं है, पैसे में उतार चढ़ाव देखना से ज्यादा वो कहना चाहिए परेशान हो जाते हैं या उस साइकोलॉजिकली उतने स्ट्रांग रहते नहीं है, उन लोगों को और अरबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स दोस्तों काफी दूरी बना के रखनी चाहिए। मैं फिर कहूंगा वो निवेशक जो एक हाई कहना चाहिए हाई रिस्क इन्वेस्टर नहीं है उन्हें इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कितना ज्यादा ज़िगज़ैग है दोस्तों इस शेयर में, ये देखिए ये चढ़ा फिर ये गिरावट हुई तो, और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ये शेयर बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और इनसे बचना चाहिए। आप देखिए ये था 26 जुलाई का, इसे छोड़ दें आप, ये आया दोस्तों देखिए 738 16 अगस्त को इसने टच किया,
ठीक है, 750 या मान लीजिए 13 अगस्त को, और ये जो लेवल है दोस्तों 13 अगस्त का, इसके बाद से ये शेयर कभी इसके ऊपर गया ही नहीं। आप देखिए यहाँ गिरावट हुई, ये 682 के पास गया, फिर इसमें ऊपरी थोड़ा वी शेप बनाने कुछ किया 750, वापस से दोस्तों इसमें गिरावट हुई, और देखिए फिर ये गया, उसके बाद से दोस्तों कभी ऊपर आया ही नहीं। आप देखिए, यानी कि इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये जो लाइन है ना शेयर के लिए, कहना चाहिए ये लाइन ये दोस्तों तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। और ये क्या है दोस्तों, ये है एटलीस्ट 775 के आसपास तक दोस्तों। ये 775 ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहूंगा दोस्तों रेजिस्टेंस है, और इससे पहले दोस्तों 745 से लेकर के 750 की रेंज, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और ये दोनों रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए दोस्तों ऑन द क्लोजिंग बेसिस एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज, एक कहना चाहिए बाजार से भी सहायता, ये सब चीज की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं पिछले 6 महीनों में निचले स्तरों की बात करूं आपके साथ, आप देखिए ये शेयर 627 वहां से भागा, अब वापस से गिर रहा है दोस्तों। और अगर ये शेयर वापस से दोस्तों मैं बता दूं 620 के आसपास आता है, वहां एक इस शेयर के लिए बहुत ज्यादा मैं कहूंगा तगड़ा सपोर्ट है दोस्तों। और अगर ये शेयर आता है 620 से लेकर के 635 के बीच, बहुत ही अच्छी रह सकती है शेयर एंट्री पॉइंट के लिए, एज वेल एज वो निवेशक जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए सोच रहे हैं शेयर में निवेश करने के लिए आज से 3-4 साल के लिए, वो भी यहाँ पे दोस्तों एक स्मॉल चंक ऑफ अमाउंट खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, अभी इस शेयर के आने वाले हैं Q3 के रिजल्ट, और Q3 के रिजल्ट से पहले अगर शेयर और ज्यादा गिरता है दोस्तों, थोड़ा बहुत और गिरता है, 590 के आसपास आता है, क्योंकि 590 के आसपास आता है, तो मुझे लगता है वो काफी अच्छी चीज होगी। क्यों कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा एक चीज, अगर जो भी स्टॉक है अगर रिजल्ट से पहले भाग जा रहे हैं, और उसके बाद उसका भले कितना भी अच्छा रिजल्ट आया हो, आप एशियन पेंट्स को देख ले, उसके बाद उसमें सेल ऑफ आया ही आया है दोस्तों, ठीक है। और वो स्टॉक जो बहुत ज्यादा गिर चुके थे, जाना कहना चाहिए जिनकी जो निगेटिविटी है वो सारी प्राइस इन हो चुकी थी, जो भी निगेटिव न्यूज है वो उसमें ऑलरेडी प्राइस इन हो गया था, तो रिजल्ट थोड़े बहुत खराब भी आए ना दोस्तों, तो उतना पनिश नहीं किया जा रहा है उस शेयर को, ठीक है। और इस सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, सीएट टायर आप देख लो दोस्तों, ठीक है। सीएट टायर भागा था, मतलब निचले स्तरों से काफी तेजी आई थी, लेकिन जब रिजल्ट में कहना चाहिए जब इतनी निगेटिविटी दिखी, फिर भी शेयर दोस्तों मैं मानता हूँ 52 वीक लो को उसने नया 52 वीक लो बनाया है, लेकिन वहां से टच करने के वापस से तेजी उसमें आ गई है। मैं ये नहीं कह रहा उस ट्रेंड में बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन जिस तरह की गिरावट होनी चाहिए वो नहीं हुई दोस्तों। क्यों दोस्तों, वो लॉस मेकिंग कंपनी हो चुकी थी, इस क्वार्टर उसने लॉस बुक किया था, ठीक है। तो वही मैं आपके साथ शेयर करने की चीजें कोशिश कर रहा हूँ। जहां तक की बात है अरबिंदो फार्मा की, आप देखें, आपको मैं न्यूज दिखाऊं, ये न्यूज है दोस्तों लगभग 6 जून की, दैट अरबिंदो फार्मा इंट्रोड्यूसेस COVID-19 ड्रग मोलनोपिरावर। और दोस्तों ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि कोविड की दवाइयों की बहुत ज्यादा डिमांड है अभी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा जिस तरह से केस लगातार बढ़ रहे दोस्तों, पूरे के पूरे कहना चाहिए इंडिया में 3-3.5 लाख, देखिए मानता हूं कि डेथ्स नहीं हो रही, लेकिन दवाई लोगों को लेनी पड़ रही है, लोग भरे ही घर में हैं लेकिन दवाइयां ले रहे हैं, और ये काफी अच्छी कहूंगा पॉजिटिव चीज निकल के आई है। और ये पॉजिटिव दोस्तों हेल्थ वाइज भी है, क्योंकि ज्यादा ये कहना चाहिए सीवियर है नहीं, प्लस इन दवाइयां जो ड्रग लेकर के लोग घर में भी ठीक हो रहे हैं, इनका डायरेक्ट फायदा किनको होगा दोस्तों, अरबिंदो फार्मा जैसी कंपनीज को जो उनकी दवाइयां और ड्रग बनाई है, ठीक है। और आगे मैं आपको दिखाऊं एक चीज, ये है दैट अरबिंदो फार्मा टैप्स पीस फॉर स्टेक सेल इन इंजेक्टेबल बिजनेस। दोस्तों अरबिंदो फार्मा ना, आप देखिए, अरबिंदो फार्मा हैज इनिशिएटेड टॉक विद प्राइवेट इक्विटी फर्म टू सेल स्टेक ऑफ अराउंड 30-35% इन इट्स इंजेक्टेबल बिजनेस फॉर 4500 to 5250 करोड़ एज द हैदराबाद बेस्ड ड्रग मेकर प्लान वैल्यू अनलॉकिंग इन इट्स कोर बिजनेस। देखिए वैल्यू अनलॉकिंग के लिए ये जो कंपनी दोस्तों जो इंजेक्टेबल बिजनेस है उसमें अपना स्टेक सेल कर रही है दोस्तों, और जब ये होगा दोस्तों याद रखिएगा कि वही यूनिट है हैदराबाद की जहां पे USFDA वार्निंग आया था, और इसलिए आपको इतना पेन देखने मिला था। जब चीजें दोस्तों देखिए USFDA वार्निंग आती रहती है जाती रहती है, ड्रग कंपनी अपने आप को ठीक करेंगी, वापस से अच्छी चीजें होंगी, और जब ये इंजेक्टेबल बिजनेस सेल करेंगी दोस्तों, आप बिलीव कीजिएगा कि इसमें जिस इतने समय से जो कंसोलिडेट कर रहा है और एक वैल्यू अनलॉकिंग की दोस्तों प्रक्रिया हॉल्टेड है, वो इतनी तेजी से खुलेंगे दोस्तों कि वापस से अरबिंदो फार्मा मैं कहूंगा एक ऊपरी स्तरों में भागना शुरू करेगा,
ठीक है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनके लिए ये मैं स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ। और मंडे को अगर ये शेयर मुझे दोस्तों 620 के आसपास मिलता है, 630, मैं डेफिनेटली इस शेयर में एक नई पोजीशन जरूर से जरूर बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये मेरी पर्सनल राय है, सिर्फ मैं कर रहा हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ, इसलिए मत कीजिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं दोस्तों, जो मैं करता हूँ आपके साथ चीजें स्ट्रेटेजी में शेयर करता हूँ दोस्तों, ठीक है। आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले खुद रिसर्च करना है दोस्तों, या वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लेनी है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े रहने के धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।